की जगह हम पूरा अमेजोन अपना दुकान बना लिया है, समझ रहे, फ्लिपकार्ट अपना दुकान बनाया। लेकिन अगर आप कोई भी बिजनेस चेक करो, और ये ऑटोमोबाइल टू व्हीलर सर्विस का पर्टिकुलर बिजनेस चेक करो, तो ये बिजनेस कभी ऑनलाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्टिवा अगर मेरे को सर्विस करना है तो 10 नंबर का ही पाना लगेगा और 12 नंबर का ही पाना लगेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे कितना भी ऑनलाइन हो जाए, ये बिजनेस चलेगा और सालों तक चलेगा। चाहे टू व्हीलर में नया रिवोल्यूशन आएगा, यानी जैसे अभी पहले BS 2 स्ट्रोक इंजन आता था, 4 स्ट्रोक आया, BS 4 आया, अभी BS 6 आया, आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे। लेकिन हर एक में टायर जरूरी है, जम्पर्स जरूरी है, तो वहां पे मेंटेनेंस लगेगा लगेगा लगेगा, समझ। तो ये लोग लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच है, पुअर हाउस कीपिंग है, बरबर। कोरोना के बाद तो आपको पता ही, पुअर हाउस कीपिंग की तरफ तो हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। वन मैन शो आर्मी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमने वो सर्विस में गैप फिलअप कर रहे हैं। मार्केट पोटेंशियल क्या है आपके एरिया में, ये बिजनेस हो रहा है, ये इसका मार्केट पोटेंशियल अगर एक लाइन में मैं बोलूँ ना, तो जो एरिया में अगर 2 से 3 लाख, 1-1.5-2 लाख की पॉपुलेशन है और 50,000 से 1.5 लाख टू व्हीलर है, वहाँ पे ये बिजनेस अच्छी तरह से चल सकता है, बरबर। तो मार्केट पोटेंशियल इतना बहुत बड़ा है, बरबर। ये नंबर्स में हम जाएंगे तो बहुत सारी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है, बरबर, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। और इकोनॉमिक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कस्टमर का एक्सपेक्टेशन चेंज कर रहा है, बरबर। तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या चेंज कर रहा है, तो लेटेस्ट जो वर्कशॉप चाहिए वो एस्टेब्लिश हो रहे हैं, नीट एंड क्लीन सर्विस चाहिए कस्टमर को, नाइस लुकिंग एंड पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए, बरबर, कॉम्पिटेंट जिस स्टाफ चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए, जैसे जो बंदा रिपेयर कर रहा है तो अगर इफिशियंट नहीं है तो वो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो उसके लिए वो एक लेवल का उसका मशीन सेंट्रिक भी बंदा चाहिए, तो वो सारा कुछ हमने, और टॉप एंड बाइक अवेलेबल है लेकिन उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है। दूसरा, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे आज मैं और आप सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी है, समझ। एक जमाना था कि ऐसा भी बोल सकते, एक टाइम ऐसा था आज से 6-8 महीने पहले, ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े होटल में हॉल बुक करते थे और हम आपको इनवाइट करते थे, बरोबर, पूरी टीम लगाते थे आपका वहाँ पे, वो पूरा हर एक ब्रांड का प्रेजेंटेशन करते। आज ये सारा कुछ हम टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको आमने सामने बैठे बैठे कर सकते हैं, बरोबर। तो कस्टमर ऑलवेज एक्सपेक्टेशन उसका जो होता है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, वही रेस्टोरेंट का खाना दे रहा है, बरोबर, तो लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है। लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स, अब कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, बरोबर, और क्विक रिस्पॉन्स कहाँ पे मिल रहा है, वो दोनों कस्टमर देखता है। आप देखो तो अपने अपने जीवन में भी आप देखते होंगे कि कहीं पे भी आपको अच्छा क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम तुरंत ही चेंज कर देते हैं, बरोबर, चाहे कुछ भी हो, समझ। रेडी टू पे एक्स्ट्रा केयर, बरोबर। हम जैसे हमारा टू व्हीलर्स के हम खुद के बारे में एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना के बाद हम सैनिटाइजर लेके घूम रहे हैं, सैनिटाइजर तो सालों से आ रहा था लेकिन हम 100 रुपये का सैनिटाइजर लेके हर एक बंदा घूम रहा है, बरोबर। तो ये जो एक्स्ट्रा केयर करने की जो आदत है हमारी, वो हर एक जगह पे, जैसे ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर है तो टू व्हीलर को हम लाइफ लाइन बोलते हैं। आप देखो ना तो टू व्हीलर के ऊपर आदमी की जिंदगी चलती है, बरोबर। जैसे मैं टू व्हीलर लेके जा रहा हूँ तो मैं मेरी जिंदगी लेके जा रहा हूँ, तो मैं टू व्हीलर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, बरोबर। तो एक्स्ट्रा केयर करने के लिए मैं रेडी हूँ। ट्रांसपेरेंसी इन ऑल एस्पेक्ट, बरबर, हर एक लेवल में ट्रांसपेरेंसी। आप देखो तो ऑटोमोबाइल में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गैप था जो कस्टमर को दिख रहा था, वो हम यहाँ पे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं, बरबर। तो सो देर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स। अब स्पीड फोर्स में क्या होगा, तो सर्विस विद डिफरेंस है, नीट एंड क्लीन सर्विस कर रहे हैं, हाईटेक टूल्स यूज कर रहे हैं, सर्विस एट डोर स्टेप यानी पिकअप एंड ड्रॉप का सर्विस, ब्रेकडाउन सर्विस, बरबर, वो सारा सर्विस हम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस, यानी हम अगर कोई भी कस्टमर का टू व्हीलर हमारे आउटलेट के ऊपर आता है तो हम वहाँ पे उसको एक 10 रुपये का नट बोल्ट भी बिना पूछे डालते नहीं है, और उसको जब भी वो टू व्हीलर अगर लेने के लिए आ रहा है तो उसको दिखाते हैं कि सही सर ये चेंज करने की ज़रूरत थी और इसीलिए हमने चेंज किया है, बरबर। रीजनेबल चार्ज, ये सारा काम करते लेकिन हम एकदम रीजनेबल चार्ज में करते, बरबर। अभी कंपनी का इंट्रोडक्शन, ये सब काम कर रहे हैं लेकिन कंपनी का इंट्रोडक्शन भी चाहिए, क्योंकि आपको किसके साथ जुड़ना चाहिए वो भी एक बहुत मायने रखता है, कि भाई बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज भी होती है, तो आपको कौन सा टीम अच्छा है वो देख के भी जुड़ना चाहिए, बरो। आज लोग क्यों,
आज मेरे को कोई कोई भी बंदा होता है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है या छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी बहुत सोचना चाहिए। तो वहाँ पे आपको हमारी कंपनी के बारे में बताऊँ तो स्किल सेट बताऊँ तो डिफरेंट स्किल सेट के वर्किंग एक्सपीरियंस के लोग ही हमारे साथ, पूरा टीम है बराबर। आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस है, नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, ब्रांडिंग, अकाउंट, फाइनेंस, और वो भी एक दो साल का नहीं, 38-40 years का सर। अगर मैं कलेक्टिव सारी टीम का एक्सपीरियंस काउंट कराऊँ ना तो आपको 120 साल का पूरा टोटल पूरा एक्सपीरियंस है हमारी टीम का। अगर मैं आप बताऊँ तो मैं आपके सामने हूँ तो मैं मेरा जैसे मेरा एक्सपीरियंस है 22-23 साल का, तो उसी तरह से हमारे दूसरे टीम के मेंबर्स है उनका 38 years का एक्सपीरियंस है, किसी का 30 years का है, किसी का 25 years का है, तो वो हिसाब से कलेक्टिवली करें तो 120 साल पुराना हमारा टीम है बरूबर, ऐसा भी बोल सकते हैं। व्हाट इज स्पीड फोर्स? स्पीड फोर्स क्या है बरूबर? हमने कब बार बार बोला कि स्पीड फोर्स भी बोले, कि स्पीड फोर्स में क्या करते हैं और क्या है? इट इज ए टू व्हीलर सर्विस स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड बरूबर। मार्केट की जो भी डिमांड है वो डिमांड के हिसाब से हम सारी सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस, माइनर और मेजर रिपेयर्स हम कर रहे हैं, एक्सीडेंट रिपेयर कर रहे हैं, बैटरी सर्विसेज कर रहे हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी दे रहे हैं, ब्रेकडाउन सर्विस भी दे रहे हैं। आप देखो ना तो इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आप पिज़्ज़ा मांगे ना तो 30 मिनट में आ जाएगा, डोमिनोज बोलेगा 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवरी कर देगा, अदरवाइज फ्री बराबर। लेकिन अगर जब आपका टू व्हीलर बिगड़ता है ना तो 3 घंटे तक कोई नहीं आता है। आपने शायद कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा या किसी कोई एक्सपीरियंस कर रहा है या वो कोई अटक रहा है उसको देखा भी होगा बराबर। तो ये एक ड्रॉबैक है, तो वो ड्रॉबैक हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। वैल्यू एडेड सर्विस, आप देखो तो जब सर्विस करवाने जाते हैं तो कुछ लेवल की सर्विस मिलती है लेकिन वैल्यू एडेड सर्विस अलग अलग जगह पे है, तो हमने यहाँ पे पूरा एक वन इस रूफ के अंदर सारी सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं। इंश्योरेंस सर्विस, आप देखो तो टू व्हीलर के इंश्योरेंस आपने जब गाड़ी लेते हैं तो कंपलसरी है, लेकिन गाड़ी लेने के बाद जैसे खत्म हो जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई आपको वहाँ पे फॉलो अप वगैरह नहीं मिलता है, वो आपको अलर्ट रहना पड़ता है। तो हम यहाँ पे टू व्हीलर सर्विस का इंश्योरेंस भी बेचते हैं, उसका क्लेम भी सेटल करते हैं और सारा सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज्ड टू व्हीलर वारंटीज, जैसे आपको बताऊँ पुराने टू व्हीलर के ऊपर स्पीड फोर्स एक ही ऐसी कंपनी है जो पुराने टू व्हीलर के ऊपर आपको वारंटी प्रोवाइड करती है बरूबर। तो आगे कैसे प्रोवाइड करती है वो मैं आगे को बता रहा हूँ। प्रॉफिटेबल बिजनेस, जैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस वाई स्पीड फोर्स बरूबर, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है बरूबर। आपको अभी आप इतनी सर्विस हम दे रहे हैं, 18% की इनकम है स्पीड फोर्स का आउटलेट बनाते तो 18 टाइप्स को इनकम, जैसे स्पेयर का है, ऑयल का है, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ पैसा हमको मिल रहा है बरूबर। लार्ज पोटेंशियल है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपके आजू बाजू में भी ये बिजनेस कहीं ना कहीं हो रहा है और आपके वहाँ आप भी अपने आसपास के एरिया में बना सकते हैं। करंट चैनल का जो लिमिटेशन है वो हमने ओवरकम किया है, जैसे डीलर का और लोकल मैकेनिक्स का, वहाँ पे जो भी सर्विस आपको मिल रही है और नहीं मिल रही है उसके ऊपर हम काम करके आगे बढ़ रहे हैं और गैप फिलअप करके आगे बढ़ रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड ट्रेन मैन पावर, आप देखो तो हम टेक्नोलॉजी का जो बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम डिमांड जो ट्रेन मैन पावर है उसको हम टाइम टू टाइम ट्रेन करते हैं। आपको बताऊँ मैं हमारा कोई भी आउटलेट होता है वो कोई भी आउटलेट में सारा काम यानी इवन प्लग क्लीनिंग से लेके बैटरी सर्विसिंग के लेके सारा कुछ मशीन से होता है। तो आप देखो ना तो ह्यूमन एरर हो सकता है लेकिन मशीन एरर नहीं हो सकता है। तो हम हमारा जो मैकेनिक है या टेक्निकल टीम है उसको मशीन सेंट्रिक बनाते हैं, तो वो वहाँ पे मशीन सेंट्रिक हो जाता है तो ऑटोमेटिक मशीन से काम होता है और उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है बरूबर। मार्केट डिमांड का जो नया ट्रेंड है तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपको बताऊँ अभी BS6 आ रहा है तो अभी हमारे पास आज से ही BS6 का ऑलरेडी ट्रेनिंग चालू है, अभी जहाँ पे आ रहा है तो हम सर्विस कर ही दे रहे हैं बरूबर। दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है बरूबर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑलरेडी हमारे पास मॉड्यूल्स है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनी से उसके साथ हमारा टाइप भी है कि अगर वो लोग उनका सर्विस उसका सेल्स नेटवर्क हमारा सर्विस नेटवर्क वो लोग यूज़ कर रहे हैं बरूबर। कस्टमर रेडी टू पे एक्स्ट्रा कैश, जैसे पहले ही बताया मैंने कि कोरोना के बाद हम कस्टमर कहीं पे भी जाने से डरता है वगैरह जो भी है बरूबर, तो हम एक्स्ट्रा केयर करने के लिए रेडी है। तो टू व्हीलर का जैसे आपको बताओ तो टू व्हीलर का यूज़ भी बढ़ गया, कैसे बढ़ गया जैसे आप देखो तो पहले क्या था, लोकल बस में जाते थे हम, ट्रेन में जाते थे, मेट्रो में जाते थे, अभी हम टू व्हीलर लेके जा रहे। आज सुबह ही अभी मैं आधे घंटे पहले एक मुंबई के पार्टी के साथ बैठा था यहाँ पे पुणे में ऑफिस में, तो वो बोल रहे हैं कि सर ट्रेन तो अभी सोच ही नहीं सकते,
समझ रहे, वो बोल रहे हैं खारघर से मेरे को चेंबूर जाना है तो मैं बाइक लेके जाता हूँ, वो पूना से यानी वो खारघर से यहाँ पे बाइक लेके आए। तो मैंने बोला क्यों बाइक लेके आए, तो उसने बोला सर अभी तो बस वगैरह में तो सोच ही नहीं सकते, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो माइंडसेट है और ये जो अभी पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन है, तो हर एक घर में एक एक टू व्हीलर था, वहाँ दो हो गए, दो की जगह तीन हो गए और ये आगे बढ़ रहा है, बराबर। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी हो रहा है, बराबर। तो वहाँ पे भी हम एक जो मोदी साहब का विजन है आत्मनिर्भर भारत, तो हम ऑलरेडी वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर 6 साल से काम कर रहे हैं, बराबर। फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो सिंपल है, आपका जो लोकेशन एक फॉर्म होता है, साइन अप करते हैं तो आपका लोकेशन मैपिंग होता है, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन होता है, टीम वगैरह का इंफॉर्मेशन होता है, ड्यू डिलीजेंस, फाइनेंशियल, साइट विजिट, लेआउट, साइट रेडीनेस, इंस्टॉलेशन, वो सारा कुछ हम आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ काम ऐसा होता है जो जॉइंटली होता है, कुछ काम ऐसा होता है हमारी ओर से होता है, कुछ काम ऐसा होता है जो आपकी ओर से होता है, सब। ऑन जॉब ट्रेनिंग, जैसे आउटलेट तो चालू कर दिया, बहुत बहुत सारी फ्रेंचाइजीज कंपनी होती है तुरंत आउटलेट चालू हो जाता है, लेकिन आउटलेट चालू हो जाने के बाद उसको सक्सेस करना वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है हर एक ब्रांड के लिए। तो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं, हमारा टीम आपके यहाँ ही रुक रुक के ट्रेनिंग करता है, टाइमली हमारा विजिट होता है, ऑडिट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, कस्टमर का फीडबैक भी होता है और क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम भी हम चलाते हैं। दूसरा, अब हम दूसरा सपोर्ट क्या करते हैं, जैसे आपके पास हम फ्रेंचाइजी फीस ले रहे हैं और पूरा फ्रेंचाइजी का जो चार्ज ले रहे हैं, उसमें हम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको देंगे, ब्रांडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरीज प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग किट देते हैं, बराबर, सॉफ्टवेयर देते हैं, हमारा ऐप है, मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, सारी टेक्नीशियन की होती है, एडवाइजर्स की होती है, ओनर्स की होती है, विजिट करते हैं, ऑडिट्स करते हैं रेगुलर बेसिस पे, बराबर। अभी फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म हम एक भर के लेते हैं, उसके साथ एक आपका LOI जनरेट होता है, 1 लाख का पेमेंट होता है, LOI जनरेट होता है, उसके बाद आपको जो हम बोलते हैं कि जगह ढूंढ लीजिए, अगर आपके पास खुद का जगह है तो हम उसका विजिट करवाते हैं, अगर वो जगह फिजिबल है तो ही हम फ्रेंचाइजी चालू करते हैं, अगर हमको लग रहा है कि वो जगह फिजिबल नहीं है और आप वहाँ पे आउटलेट नहीं चल गया या नहीं बना सकते अभी 1-2 साल तक, क्योंकि अगर बहुत सारे एरियाज होते हैं जो अंडर डेवलपमेंट होते, तो हम आपको वहाँ पे बोलते हैं कि आपको यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, और अगर आपने पेमेंट किया है तो हम वो वापस भी कर देते हैं, बराबर, क्योंकि हमको कोई वहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा भी वहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है और डुबाने की जरूरत नहीं है, और हमारा ब्रांड भी वहाँ पे लगाने की और डुबाने की जरूरत नहीं है। तो वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस में, बेसिक साइट का जो वर्क और वेंडर पेमेंट होता है, उसके बाद फाइनल पेमेंट होता है, मटेरियल प्रोविजन होता है, इंस्टॉलेशन, रिक्रूटमेंट मैन पावर का होता है, ट्रेनिंग होता है, आपका डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ्स वगैरह होता है, LOI जनरेट होता है, लेटर, आपका अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट होता है, और आपका स्टार्टअप करके हम ओपनिंग करते हैं, बराबर। पान इंडिया में हमारा 100 फ्रेंचाइजी का 31 दिसंबर तक का टारगेट है, ऑलरेडी 65 आउटलेट ओपनिंग हो गए हैं और 22 आउटलेट अभी दिवाली तक ओपन हो रहे हैं, बराबर, और बाय गॉड ग्रेस और आप सबकी दुआ से ये टारगेट शायद हम दिसंबर नवंबर तक भी हम पहुंच जाएंगे। अभी फ्रेंचाइजी चालू हो जाने के बाद, बराबर, फ्रेंचाइजी ये स्पीड फोर्स के ऊपर क्यों भरोसा करना चाहिए आपको, बराबर, तो उसका एक दूसरा भी रीज़न है, हमारे ऑफिशियल पार्टनर, ऑफिशियल पार्टनर क्या बोलते हैं, यानी एक जो बड़ी कंपनी है उसने ये कंपनी के ऊपर भरोसा किया है, तो दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल पार्टनर, बराबर। तो जैसे यूनो मिंडा आप देखेंगे तो यूनो मिंडा का पूरे इंडिया में आफ्टर मार्केट सेल कंपोनेंट का, जो ऑटो कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो इंडियाज लीडिंग कंपनी है, बराबर। कैस्ट्रोल है, तो कैस्ट्रोल वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में कैस्ट्रोल आती है, ये दोनों ब्रांड ने हमारे साथ ऑफिशियल टाइप किया हुआ है, बराबर। तो वो ब्रांड को पता है कि ये कंपनी की फ्रेंचाइजी किस तरह से चलेगी और किस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ सकती है, तो इस तरह का आप वो भी सपोर्ट करने के लिए हमको रेडी होते हैं, हमारे फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने के लिए रेडी होती है। इंश्योरेंस पार्टनर के लिए इंश्योरेंस का सारा इंश्योरेंस का काम हम पॉली इंश्योरेंस बेचने के से लेके उसका क्लेम वगैरह सब हम करते हैं। ERP सिस्टम हमने बनाया हुआ है जहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे क्या कौन से एरिया में आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है वो सारा कुछ हो ERP सिस्टम से आप देख सकते हैं। वारंटी की बात करूँ तो वारंटी के लिए CWI कॉरपोरेट वारंटी इंडिया करके कंपनी है जो 20 साल पुरानी कंपनी है, उन्होंने हमको एक्सक्लूसिव वारंटी पार्टनर हमारा हमको दिया है और हम पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी दे रहे हैं। अभी AMC सेल्स पार्टनर है, तो AMC सेल्स पार्टनर जो भी ये स्मार्ट सर्विस है
वो 16 साल से यही बिजनेस में है और हमारे साथ वो हमारे हर एक आउटलेट के लिए मार्केटिंग का काम करती है। वो मार्केटिंग का काम कैसे करती है, जैसे आपका आउटलेट हम चालू करते हैं उसके एक भी 1-2 महीने आउटलेट को एक रनिंग मोड पे लाते, बरबर वो ट्रैक पे लाते, वो जैसे ही वो आउटलेट का जो पूरा जो एक बोलते थे ट्रैक के ऊपर चालू हो जाता है, फिर आउटलेट को दौड़ाने का काम ये AMC करती है। AMC टीम की स्मार्ट सर्विस ग्रुप जो है हमारा वो करती है, वो आपके आउटलेट में कस्टमर लाने का काम करती है, बरबर। तो यानी आपने जो पैसा लगाया है तो आपको प्रॉफिट में लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, बरबर। हमारे फुटप्रिंट है पूरे इंडिया में। मैं आपको बताऊं, अभी अभी हमने लास्ट 3 दिन में 2 नए स्टेट साइन अप किए, जैसे एक बताऊँ आपको तो नेल्लूर में साइन अप किया है जो आंध्र प्रदेश में है, जो हमारा आउटलेट ओपनिंग हो रहा है 22 अक्टूबर को, और दूसरा हमने साइन अप किया है कोरापुट में जो ओडिशा में है, वो आउटलेट ओपन हो रहा है 1 अक्टूबर को। उसके अलावा हमारा ऑलरेडी यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश में आउटलेट है, महाराष्ट्र में है, साउथ में हैदराबाद में है, तेलंगाना स्टेट में है, कर्नाटका में है, केरला में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, तो और सब जगह पे आसाम में है, बहुत सारे एरिया ऐसा है जहाँ पे हमारे ऑलरेडी 18 स्टेट में एक एक आउटलेट, दो दो आउटलेट है। अभी ये आउटलेट कैसा दिख रहेगा, ये आउटलेट इस तरह का दिखेगा, बरबर। इसमें पूरा हम जैसे ब्रांडिंग है, लाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, तो वो सारा कुछ हम बना के देते हैं, बरबर। जैसे इस तरह का फ्रंट फेसिया होता है, जैसे ही जो भी जगह होती है जो एरिया होता है वो हिसाब से हम इस तरह का एलिवेशन बना के देते हैं, बरबर। उसमें कुछ काम ऐसा होता है जो हम करते हैं, कुछ आपको भी करवाते हैं। और जैसे इंटरनल ग्राफिक्स है, तो ये रेड एंड वाइट जो कलर देख रहे हैं तो हम आपके पास से एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो इंटरनल ग्राफिक्स और मशीनरीज लगी है वो हमारी टीम लगाती है। सारा काम जो मैंने बोला मशीन से होता है, तो सारा काम आप देख रहे हैं यहाँ पे मशीन सब लगे हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फिटिंग और टेबल चेयर है, तो वो हम आपको बोलते हैं कि आपको ये ब्लैक कलर का और इस तरह का लेना होगा, समझ ले। तो अभी दूसरा मशीन क्या क्या जरूरी है, जैसे आपको देख रहे थे जैसे मैंने बताया प्लग क्लीनिंग का मशीन है, न्यूमेटिक्स है, बैटरी सर्विसिंग का मशीन, फिल्टर है, पेडॉक स्टैंड है। आपको जैसे बताऊँ छोटे मोटे मैकेनिक जो भी काम करते हैं वहाँ पे KTM R15 वगैरह नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी सुविधा नहीं है, जो हमारा आउटलेट के ऊपर ये सारी सुविधा है, तो वहाँ पे वो हम आउटलेट से काम कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो से मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। आउटलेट चालू हो जाने के बाद हम क्या हेल्प करते हैं, आउटलेट चालू हो जाने के बाद हमें आपको पूरा सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटी का, जो जो आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, जैसे फ्री चेकअप कैंप है, बरबर, कॉरपोरेट कंपनी से आपके आसपास में, तो वहाँ पे भी फ्री चेकअप कैंप हम कर सकते हैं, बरबर। PUC कैंप, बरबर। तो आपको बताऊँ ये इस तरह का हम PUC कैंप करते हैं, पुलिस के साथ मिलके पुलिस एक्टिविटी करते हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो वहाँ से ब्रांड अवेयरनेस और आउटलेट का अवेयरनेस भी होता है और डेटा भी गैदर होता है और हम उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि अपना इंडिया है ना, वो इंडिया कल्चरल है, आपको देखो तो कहीं पे गणपति का त्यौहार का महत्व है, कहीं पे दुर्गा पूजा है, कहीं पे होली का महत्व होता है, और कहीं पे लोहरी होता है, कहीं पे जैसे गुजरात में से हूँ तो नवरात्रि होता है, बरबर। तो वो सारे एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो कल्चरल बेस होती है हमारी। जैसे आप गणपति होता है तो हम गणपति के एरिया में वहाँ पे हमारा ब्रांड अवेयरनेस गणपति इस तरह का शुभकामना वगैरह का देते हैं। बिहार में जैसे रिक्शा चलती है एडवर्टाइज में, तो हम रिक्शा का ऐड करते हैं यूपी बिहार में, बरबर। मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है कि इंडिया में पहली कंपनी स्पीड फोर्सेस ही है जिन्होंने जैसे ही कोविड का सिचुएशन थोड़ा रिलीज हुआ, अनलॉक हुआ इंडिया, तो हमने सारे आउटलेट के ऊपर बाइक सैनिटाइज फैसिलिटीज चालू कर दिया, और आपको बताऊँ हम सर्विस के साथ फ्री में बाइक सैनिटाइज कर रहे हैं, तो वहाँ से भी लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर मीडिया में आर्टिकल आए हुए हैं हमारे, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो तो बहुत सारी जो इवेंट है हमने हमने पार्टिसिपेट किया है, और सबसे बड़ा है अभी हम फेब्रुआरी में स्मॉल बिजनेस अवार्ड 2020 ऑटोमोबाइल एंसिलरी बिजनेस ऑफ द ईयर का स्पीड फोर्स को अवार्ड मिला है, और भी वो भी छोटा मोटा नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और जी बिजनेस और की ओर से हमको मिला हुआ है। तो वो सब आपकी और सबकी बोले ना दुआओं की बदौलत हमको ये सारा चांस मिला हुआ है, बरबर। जैसे मैंने बोला हम पार्टिसिपेट करते हैं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, पुलिस के साथ लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि भाई आपको हेलमेट पहनना चाहिए,
टू व्हीलर का PUC रखना चाहिए, टाइम टू टाइम सर्विस करना करवाना चाहिए, वो सारा कुछ हम उसको सपोर्ट करते हैं। ट्रैफिक रॉन्ग साइड में नहीं चलाना चाहिए, वो सारा, वो बहुत सारे इवेंट होते हैं जहाँ पे हम रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, बरोबर। जैसे बहुत सारी बाइजेक्स हुआ था हैदराबाद में, वहाँ पे भी हमने पार्टिसिपेट किया था, वाइब्रेंट गुजरात में भी हमने किया था, बरोबर। अभी ये बिजनेस चालू करने पहले इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट आप जो भी पैसा लगाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रहा है आपको, वो भी बहुत देखना जरूरी है, बरोबर। तो हम फ्रेंचाइजी फी का 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स मशीनरीज एंड इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन का 3.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं, इंटरनल सुपर ग्राफिक्स फ्रंट फेसिया ब्रांडिंग जैसे मैंने बताया तो उसका हम 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं, स्टेशनरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ऑडिट होता है, मॉनिटरिंग होता है, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स ऑलरेडी पूना में भी है, बड़ौड़ा में भी है, राजस्थान में जयपुर में भी है, और अभी हम एक यही वीक में यानी नेक्स्ट वीक में हम ओपनिंग कर रहे हैं, हैदराबाद में हमारा ऑफिस भी ओपनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग सेंटर हमारा चालू हो जाएगा, बोलो। तो वो ट्रेनिंग मॉनिटरिंग करते, मार्केटिंग सपोर्ट करते, डेवलपमेंट करते आउटलेट का, तो टोटल मिला के 7.5 लाख प्लस GST 18% जो भी होता है वो हम चार्ज करते हैं। अभी ये बिजनेस तो आपने चालू कर दिया, पैसा दे दिया, लेकिन इनकम कैसे होगा, बरोबर। तो वर्कशॉप का जो रेवेन्यू होता है, यहाँ पे दो तरह की रेवेन्यू होती है, एक तो डायरेक्ट इनकम होता है, दूसरा इनडायरेक्ट इनकम होता है। जैसे डायरेक्ट इनकम की बात करूँ तो आप अगर आप देखो ना, तो छोटा मोटा मैकेनिक भी होता है ना, वहाँ पे दिन में 5-7 गाड़ी होती है, लेकिन हम इतना अच्छा आउटलेट बनाएंगे तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे हम 10 गाड़ी का भी एक्सपेक्टेशन, जैसे हम सेटअप लगाते हैं वहाँ पे 15-20 गाड़ी आराम से हो सकती है, जो मैंने फोटोग्राफ दिखाया ना वो सारे वहाँ, लेकिन हम अगर 10 गाड़ी भी सर्विस करते हैं दिन में तो 250-300 रुपया सर्विस का चार्ज काउंट करो तो 2,500-3,000 की इनकम वो होती है, ग्रोस मार्जिन होता है। अब जैसे ऑयल है तो 10 गाड़ी के जब सर्विस होता है तो 6-7 गाड़ी में ऑयल चेंज भी होता है, तो वहाँ पे भी 300 रुपये का एवरेज ऑयल का प्राइस होता है, तो वहाँ पे भी कैस्ट्रोल इतना बड़ा कंपनी, अच्छा और बड़ा कंपनी है, फिर भी हमने नेगोशिएशन करके वहाँ पे 30-35% मार्जिन लिया हुआ है, बरोबर। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई बोलते 50% मार्जिन मिल रहा है ऑयल में, 70%, लेकिन अगर हमने वो 70% वाला ऑयल डाला तो कस्टमर का गाड़ी थोड़े दिन में बिगड़ जाएगा, और कस्टमर अपने को ही वापिस आएगा भी नहीं और दूसरे को भी भेजेगा नहीं, तो हम अच्छी कंपनी की अच्छी प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं, बरोबर। स्पेयर पार्ट की बात करूँ तो नंबर ऑफ व्हीकल जो भी 10 आते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट लगता है, जैसे लाइनर है, केबल है, फिल्टर है, स्विचेस है, बल्ब है, तो वहाँ पे अच्छी कंपनियों के साथ हमने इस तरह का अच्छा मार्जिन सेट करके रखा है, बरोबर। तो वहाँ पे हम 1,000-1,200 का ग्रोस मार्जिन दिन में हो जाता है। एक हम छोटे से छोटा काम भी करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर जनरेट होता है, जैसे किसी कोई आया कि लाइनर चेंज करना है, केबल चेंज करना है, या फिल्टर चेंज करना है, या कुछ भी करना, तो हम सारा कुछ वो काम भी एक करते हैं। तो मेजर जॉब भी करते हैं, एक्सीडेंट का काम है, मॉडिफिकेशन का काम है, वो सारा कुछ काम करते, तो वहाँ पे भी हमको पैसा मिल रहा है। तो 5,000-6,000 का दिन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करना बहुत इजी है, 10-12 गाड़ी के ऊपर, बरोबर। कुछ इनडायरेक्ट इनकम होती है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हम ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो डिलीवरी कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी में क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी जो डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ पे कस्टमर को समझाते हैं कि आपका ये पुराना स्पेयर पार्ट घिस गया था इसलिए चेंज किया, उसको बताते भी है कि आप ले जाओ, लेकिन कस्टमर लेके नहीं जा रहा है, बरोबर। ऑयल है तो ऑयल हम आपको ऑफर करते हैं आप लेके जाओ, लेकिन वो लेके नहीं जा रहा है, तो लेके नहीं जा रहा है तो वो हम उसको सेग्रीगेट करके अलग रख के उसका एक रेवेन्यू जनरेशन भी होता है, हालांकि वो होता है बहुत कम होता है, लेकिन अगर वो अब बोल रहे टिप्पे टिप्पे सरोवर भरा है तो वो गुजराती माइंडसेट है, तो वहाँ से हमने वो बोला है कि छोटा छोटा इनकम है लेकिन वो बहुत बड़ा इनकम साल में हो जाता है, बरोबर। तो अभी ये आउटलेट चालू तो कर दिया, इनकम भी हो गया है, लेकिन वो इनकम कमाने के लिए आपको मैन पावर लगेगा, जगह लगेगा, तो उसका एक्सपेंसेस क्या होता है, बरोबर। तो एक्सपेंसेस की बात करूँ तो जैसे रेंट है, जगह हम 30,000 से ज़्यादा रेंट वाली जगह नहीं चाहिए, बरोबर। सैलरी है तो 3 लोगों का मैन पावर का हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं 30,000-35,000 का सैलरी वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, वो एरिया के हिसाब से होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिशनरीज मेंटेनेंस, बरोबर। वो डेली का अगर 300-400-500 रुपये अकाउंट करो 10,000-15,000 खर्चा वो हो जाता है, टैक्सीज एम्प्लॉय का जो भी होता है टैक्सीज, हम तो बोलते हैं कि सारा काम एक नंबर में ही करना चाहिए, बरोबर। तो हम जो भी मटेरियल जो भी कंपनी के साथ टाइप किया, जैसे कैस्ट्रोल है, मिंडा है, वो 1 रुपये का भी बिना GST का मटेरियल नहीं सप्लाई कर रहे, बोलो। तो वो दूसरा हम जो मेन पावर है वो जो टीम है, क्योंकि आपके पास जो टीम हम रिक्रूट करेंगे और उसको ट्रेनिंग करेंगे तो उसी के थ्रू हम बिजनेस कर सकते हैं, बरोबर। तो वो जो टीम है तो
तो उस वो टीम को भी हम वेलफेयर एक्टिविटी भी करते हैं और इसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी हमने बना के रखा है और टाइम टू टाइम वो डिलीवरी करते। अगर आप लोन से ये बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आपका ईएमआई का भी पैसा लगेगा, तो आप टोटल मिला के आपको अगर 1.5 से 2 लाख रुपये की 1.5-2 लाख रुपये की इनकम होती है तो 1-1.5 लाख रुपये का खर्चा भी यहाँ पे होता है। 70-80 हज़ार रुपया आराम से यहाँ पे ये बिजनेस में कमा सकते हैं हम। अभी यही बिजनेस क्यों करना चाहिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप देख रहे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। वेबिनार भी अटेंड करते होंगे आप, ये सब हमारा फ्रेंचाइजी अप्लाई का भी वेबिनार अटेंड डेली होता है, 2-2, 3-3 बराबर। तो आपको ये ऑटोमोबाइल ही क्यों करना चाहिए, तो आपको ऑटोमोबाइल इसलिए करना चाहिए, ये मेरे हमने कंपैरिजन दिखा दूं आपको, एक रिटेल का बिजनेस मार्केट में है, F&B है, हॉस्पिटैलिटी है और ऑटोमोबाइल बिजनेस है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो रिटेल में तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी ब्रांड आप देखो तो बड़ा शोरूम बनाना है, मेन रोड पर जगह चाहिए वगैरह सब। फूड एंड बेवरेजेस है तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि कौन सा कस्टमर कौन सी सब्जी कब मंगवाएगा या कौन सा पिज़्ज़ा का आउटलेट बनाएगा, कौन सा पिज़्ज़ा कब खाएगा, तो वो सारा मटेरियल तो इंग्रेडिएंट्स रेडी ही रखना पड़ेगा बोलो, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है फर्नीचर फिक्सचर वगैरह में। और ऑटोमोबाइल बिजनेस में यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल है, जैसे ही पहले शुरुआत में अशोक जी ने बताया कि ये लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू मॉडल है बोलो। स्टॉक और इन्वेंट्री की बात करूँ तो हम जो रिटेल होती है तो उसमें तो सब पूरी रेंज रखनी पड़ती है, जैसे बस आपका शूज़ का शोरूम खोल रहे तो सारे शूज़ रखने, शर्ट का शोरूम कर सारे साइज़ के शर्ट रखना है। तो यहाँ पे फूड एंड बेवरेज इसमें भी अगेन सेम होता है बरबो, सारी इन्वेंट्रीज रखनी पड़ती है, जरा कि ऑटोमोबाइल में इन्वेंट्री कम रहती है। क्यों कम रहती है, क्योंकि आपको हमारा जो भी हमारा टाइप है जो जो कंपनी के साथ वो वीकली डिलीवरी करता है, तो हमने उस तरह का टाइप किया है कि वो आपको वीकली जो डिलीवरी करके आपको जो मटेरियल दे रहा है तो वो आपको वहाँ पे आपका स्टॉक नहीं लगेगा, आपका स्टॉक जो भी वो स्टॉक होगा वो ऑटोमेटिक वो कस्टमर वो डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक भी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा बरबो। ओवरहेड एक्सपेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होते बरबर, हालांकि रिटेल वगैरह में तो मैन पावर वगैरह का होता है, एसी का होता है वगैरह सब होता है बरबर, रेस्टोरेंट में भी सेम है बरबर। और दूसरा सीजनल इफेक्ट, तो हर एक एरिया में अगर आप देखो तो आज एक बींग है ह्यूमन बींग, हम क्या करते हैं पहले जो भी इनकम हो रहा है पहले हम हमारा घर का खर्चा निकालते हैं बरबर, फिर हमारा एक सेविंग करते हैं और फिर अगर बचत होता है तो हम लग्जरी या रेस्टोरेंट वगैरह उसमें हम खर्चा कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के बाद आप सबको पता है, मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं कि हमारी किस तरह की इनकम और एक्सपेंस आज हो रहा है बरबर। तो दूसरा यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं, क्यों, क्योंकि ये अगर बारिश होता है तो प्लग में पानी चला जाता है तो वहाँ पे भी टू व्हीलर का सर्विस का जरूरत रहेगा। अभी सर्दियों का मौसम आता है तो वहाँ पे बैटरी डाउन हो जाती है तो वहाँ पे भी टू व्हीलर का सर्विस का इम्पोर्टेंट रहेगा। और अभी कोविड के बाद तो टू व्हीलर के ऊपर ही लोग जा रहे हैं बरबर, तो वहाँ पे यूज़ ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे अगेन वो सर्विस का इनकम और सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा बरबर। कंज्यूमर नीड का बिजनेस है बरबर, ये डेली नीड्स का सर्विस का बिजनेस है, लग्जरीज मॉडरेट वगैरह जब भी है वो तो आप जब भी सेविंग्स करने के बाद ही हम खर्चा करते, रेस्टोरेंट में हम रोज़ नहीं जाते, लेकिन टू व्हीलर हम रेगुलर चलाते तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता ही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ अगेन और रिटेल में मीडियम प्रॉफिट होता है क्योंकि ब्रांड खुद अपना एक लेवल बना चुका है तो वहाँ पे वो एज ए आउटलेट ओनर हो तो उसको एक लेवल का इनकम नहीं पास ऑन होता है। फूड एंड बेवरेजेस से वहाँ पे इनकम ज़्यादा है लेकिन अगेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है और कोरोना के बाद तो आप हम सबको पता है कि फूड एंड बेवरेजेस क्या है, कैसे हालत है समझ। ऑटोमोबाइल की बात करूँ तो यहाँ पे सेम इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट हाई है बरबर। अगेन ये सारा प्रोसेस है हमारा, एप्लीकेशन फॉर्म है, लेटर ऑफ इंटेंट है, आप जो लोकेशन सर्च करना है, बेसिक साइट लेआउट वर्क पेमेंट होगा, फाइनल पेमेंट होगा, मटेरियल प्रोविजन इंस्टॉलेशन लोकल सपोर्ट होगा आपको, रिक्रूटमेंट मैन पावर एंड ट्रेनिंग होगा, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ्स होगा, LOA होगा और स्टार्टअप होगा, इनोग्रेशन होगा बरबर। अभी मैं आपको एक दो वीडियो दिखा रहा हूँ, जो वीडियो है किसका है, एक वीडियो है हमारे बहुत पुराने भी नहीं और बहुत नए भी नहीं, और लेकिन ये बिजनेस में नए जो है नए आए और उन्होंने कभी ये बिजनेस नहीं किया था उनका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कर सकता है तो मैं तो ये बिजनेस कर ही सकता हूँ। और दूसरा वीडियो में जो दिखाऊंगा आपको वो वीडियो है कि वो वीडियो 18 साल पुराना ये बिजनेसमैन है जिसने हमारा फ्रेंचाइजी लिया हुआ है।
शहर में स्पीड फोर्स की यह नौवीं फ्रेंचाइजी है जिसका शहर के भाईली इलाके में शुभारंभ किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, पुणे, कीम, सूरत, मलाड, कांदिवली, मुंबई, गोरखपुर, सीतसागर, आसाम में इसका बेहतरीन प्रदर्शन और मिली सफलता के बाद स्पीड फोर्स अल्कसन मोटर्स की नई मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप शुरू की गई है जिसका वडोदरा शहर में आज शुभारंभ किया। देखिए, मैंने स्पीड फोर्स के साथ जो टाई अप किया था वो इसलिए किया क्योंकि इनकी सर्विसेज मुझे बहुत प्रोफेशनल लगी और क्योंकि मैं खुद कई कंट्रीज़ में रह के आ चुका हूँ और मुझे पता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे मिलती हैं, मतलब और कंट्रीज़ में वही चीज़ मैं इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और यही रीज़न है कि अब जैसे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी है, लोगों का टाइम ख़राब नहीं होगा, लोग ऑफिस जाते हैं बाइक ठीक नहीं करा पाते, बाइक ठीक नहीं करा पाते हैं ऑफिस जाते हैं, काम करना है, बिजनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब बाइक की सर्विस हम खुद जाते हैं, पिकअप करते हैं बाइक और उसको ठीक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से ये मुझे सबसे अच्छी चीज़। और उसके बाद हम बाद में सीसीटीवी कैमरा से आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आपकी बाइक आती है उसके बाद एक लिंक जनरेट हो जाएगा और आपके पास वो लिंक जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो काम है हमें दीपेन जी वीडियो रन नहीं हो रहा अपना, और ये स्पीड फोर्स के माध्यम से मुझे बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से मतलब मैं ये कर पाया हूँ। मेरा ये बेसिकली पैशन है, बाइक्स का और कार्स का मेरा पैशन है और इसलिए मैं चाहता था कि इस तरीके की वर्कशॉप खोली जाए। सो मेरा नाम मोहन। दीपेन जी हाँ बोलिए बोलिए। वीडियो दिख नहीं रहा। ओह सॉरी सॉरी, मैं एक मिनट वापस खोलता हूँ। अभी दिख रहा है? यस यस यस, थैंक यू। शहर में स्पीड फोर्स की यह नौवीं फ्रेंचाइजी है जिसका शहर के भाईली इलाके में शुभारंभ किया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, पुणे, कीम, सूरत, मलाड, कांदिवली, मुंबई, गोरखपुर, सीतसागर, आसाम में इसका बेहतरीन प्रदर्शन और मिली सफलता के बाद स्पीड फोर्स अल्कसन मोटर्स की नई मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप शुरू की गई है जिसका वडोदरा शहर में आज शुभारंभ। देखिए, मैंने स्पीड फोर के साथ जो टाई अप किया था वो इसलिए किया क्योंकि इनकी सर्विसेज मुझे बहुत प्रोफेशनल लगी और क्योंकि मैं खुद कई कंट्रीज़ में रह के आ चुका हूँ और मुझे पता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कैसे मिलती हैं, मतलब और कंट्रीज़ में वही चीज़ मैं इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और यही रीज़न है कि अब जैसे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी है, लोगों का टाइम ख़राब नहीं होगा, लोग ऑफिस जाते हैं बाइक ठीक नहीं करा पाते, बाइक ठीक नहीं करा पाते हैं ऑफिस जाते हैं, काम करना है, बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बाइक की सर्विस हम खुद जाते हैं, पिकअप करते हैं बाइक और उसको ठीक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से ये मुझे सबसे अच्छी चीज़। और उसके बाद हम बाद में सीसीटीवी कैमरा से आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आपकी बाइक आती है उसके बाद एक लिंक जनरेट हो जाएगा और आपके पास वो लिंक जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपकी बाइक में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो काम है हमें मेरे को बिल्कुल एक क्लीन काम करना था और ये स्पीड फोर्स के माध्यम से मुझे बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से मतलब मैं ये कर पाया हूँ। मेरा ये बेसिकली पैशन है, बाइक्स का और कार्स का मेरा पैशन है और इसलिए मैं चाहता था कि इस तरीके की वर्कशॉप खोली जाए। सो मेरा ये जो मैंने आपको दिखाया ना वो वीडियो है, एक जो नया आदमी है जिसने कभी वो शहर नहीं देखा है और स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी लेके वो सक्सेस हुए हैं। अभी ये जो मैं एक दूसरा वीडियो जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो जो है वो 18 साल पुराना बिजनेसमैन है, बराबर। तो आपको मैं पता चलेगा कि भाई ये इनको एक इनको ये जो नया है उसको भी बिजनेस उन्होंने क्यों बिजनेस किया और ये 18 साल पुराने बंदे को भी ये स्पीड फोर्स का बिजनेस करने की जरूरत क्यों लगी, बराबर। तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये स्पीड फोर्स कंपनी की जो टीम है
वो एक लेवल का अलग काम कर रही है जहां से वो ये बिजनेस कर रही है, ये दिख रहा है ना अशोक जी? हेलो, यस सर दिख रहा है, दिख रहा है। मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप स्पीड फोर्स का उद्घाटन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में एक ही जगह पर सभी कंपनियों के बाइक, स्कूटी व अन्य दोपहिया वाहनों के उच्च स्तरीय सर्विस की सुविधा देने की बात की गई है। दोपहिया वाहनों के मूलभूत सुविधा के साथ साथ ग्राहकों की संतुष्टि तथा नेशनल क्लास फैसिलिटी देने का भी दावा स्पीड फोर्स के पंसारी सर्विसेज के द्वारा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोसी मिथिला टीवी और मैं हूं तारिक। अभी हम मौजूद है पंसारी कॉम्प्लेक्स में, यहां पर स्पीड फोर्स कंपनी। दीपेंद्र जी, वॉइस बहुत लो आ रही है, कैन वी इंक्रीज द साइज ऑफ वॉल्यूम? और ये मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, ये बिहार में पहली बार ऐसी सुविधा दी जा रही है जहां पर टू व्हीलर से रिलेटेड जितने भी गाड़ी है सबो के सर्विस के लिए एक ही yes, जगह, एक ही जगह एक्युमुलेट होकर आप इसके सर्विस करवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं इस सर्विस सेंटर में जाऊं या उस सर्विस सेंटर में जाऊं। बहुत सारी सुविधा है इस स्पीड फोर्स के सर्विस सेंटर में, ये हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। हम बात करते हैं सौरभ पंसारी जी से, ऑनर है इस फ्रेंचाइजी के। नमस्कार, बहुत दिनों से मन में ख्याल चल रहा था, मेरा ये काम है स्पेयर पार्ट्स का, पिछले 18 साल से और इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग वॉल्यूम सही चल रहा था कि कुछ ऐसी सुविधा दी जाए, थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं वॉल्यूम सेक्शन के लोग हैं क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम लोग और इसका? एक मिनट, तुमने राकी दोनों 100% क्यों ऐसा हो रहा है, पहली बार हो रहा है? वॉल्यूम, हां वॉल्यूम कम आ रहा है इस वाले वीडियो में। वो कभी भी आते हैं तो बहुत सारी शिकायतें, ठीक है अब ठीक है, ये काम ऐसे नहीं हो रहा, वो काम वैसे नहीं हो रहा, गैरेज में गया काम हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। मन में एक इच्छा थी कि एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसा सर्विस सेंटर यहाँ खोला जाए एक छत के नीचे में, कि कस्टमर आए और अपनी सारी सुविधाओं के साथ जितनी भी उनकी प्रॉब्लम हो वो यहाँ सॉल्व हो। हमारे यहाँ जो अभी सुविधा दी जा रही है, कस्टमर आएंगे उनकी सारी गाड़ियों की सर्विस है उनके साथ है, उनकी गाड़ियों की PUC यहाँ की जाएगी, फोम वॉश की सुविधा हमारे यहाँ है, नाइट्रोजन गैस फिलिंग की जो सुविधा है हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से ये सुविधा आज के रेट में दरभंगा तक हमारे यहाँ से नहीं है। किसी भी चक्के में आप नाइट्रोजन गैस फिल करो तो वो चक्के का टेम्परेचर कम रहता है, चक्के में वेयर टेयर कम रहता है, वो सुविधा हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो एक्सटेंडेड वारंटी की सुविधा है, जो मात्र 499 रुपये में एक साल तक की जो है वो आपकी गाड़ी को एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएंगी। इसमें मेजर पार्ट्स जो है टू व्हीलर्स के वो कवर्ड होंगे। इस एक साल के दरमियान में अगर आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है तो लेबर छोड़ के आपको कुछ पैसा पेमेंट नहीं करना है, ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई लोगों के लिए। इसके अलावा जो हम प्रोवाइड करेंगे वो सभी कंपनियों के इंश्योरेंस हम करेंगे, यहाँ से पुराने इंश्योरेंस का नवीकरण करेंगे और उस दरमियान में अगर कोई क्लेम आता है तो उस क्लेम के भी सेटलमेंट यहीं से हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधा है हमारे यहाँ, तो कस्टमर को एकदम निफिक्र होकर यहाँ आना है, गाड़ी देना है और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सारी गाड़ियों का समाधान यहाँ से। स्पीड फोर्स जो है एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप प्रोवाइड करता है, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पहली कंपनी है जो इस प्रकार का कार्य करती है। तो स्पीड फोर्स जो है ये पहले शुरू हो गया है गुजरात से, तो गुजरात में हमारे करीब 40 स्पीड फोर्स के आउटलेट है, उसके बाद में हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है और अभी हम सारे इंडिया में प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं पंसारी ऑटोमोबाइल जो है ये बिहार का पहला वर्कशॉप है जो यहाँ पर आज इनॉग्रेट हुआ है, वैसे ही हमने UP में जो है गोरखपुर में एक वर्कशॉप दिया है और लखनऊ का जो वर्कशॉप है ये 11 तारीख को ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है सारे दुपहिया वाहनों की सर्विस और उनके मेंटेनेंस का काम होता है। यहाँ पर हम लोग पूरा टूल्स इक्विपमेंट है, ब्रांडिंग है, सॉफ्टवेयर है, इसका पूरा हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में हम मैन पावर जो होता है मैकेनिक्स वगैरह इनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं। ये पूरा जो काम करते हैं इसका पूरा एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस में ही काम होता है और ये हम कोशिश करते हैं कि ये कहीं पे भी आप भारत में कहीं इंडिया में जाओगे तो ये काम एक ही तरीके से होगा। यहाँ पे सर्विसिंग
का तो एक फोकस होता है जिसमें गाड़ी की काम होता है, बट इसके साथ में हम कस्टमर सर्विस पर भी बहुत फोकस करते हैं। अब कस्टमर सर्विस क्या होता है? सर्विस मतलब गाड़ी की जो सर्विस होती है उसमें गाड़ी के सारे काम होते हैं, बट कस्टमर सर्विस का मतलब ये होता है कि जो हमारे यहाँ कस्टमर आता है वो कस्टमर को यहाँ बैठने की व्यवस्था होती है, पीने का पानी होता है, उसको एंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगाया हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। उसको यदि प्रॉब्लम है कि उसको गाड़ी देने के लिए समय नहीं है तो हम उसकी गाड़ी घर से उठा लाते हैं, जिसको हम पिकअप ड्रॉप बोलते हैं, ये भी हम सुविधा यहाँ पर देते हैं। इसके अलावा आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं ख़राब हो जाती है तो उसको हम वहाँ गाड़ी जाके अटेंड करते हैं। तो इस टाइप की पूरी सुविधा एक ही ब्रांड नेम के नीचे हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक तरफ हम कस्टमर की बाइक की सर्विस करते हैं, दूसरी तरफ हम कस्टमर। हाँ हेलो, इसे देखा ना सर ने बताया कि पूरे हर एक पूरे इंडिया में हर एक जगह पे एक ही प्रकार का काम